हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे कंप्रेशन मोल्डिंग प्रोसेस के बारे में जो एक फॉर्मिंग प्रोसेस है और प्लास्टिक प्रोसेसिंग मेथड है और इस प्रोसेस के द्वारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हम एज ए रॉ मटेरियल इसमें यूज़ करते हैं ज़्यादातर और थर्मो प्लास्टिक का भी इसमें कुछ हद तक प्रयोग किया जा सकता है लेकिन ज़्यादातर यह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के लिए प्रयोग होता है जो रॉ मटेरियल के तौर पर हम प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं वो सॉलिड ग्रेनुलर फॉर्म में हो सकता है पाउडर फॉर्म में हो सकता है पैलेट फॉर्म में हो सकता है और कुछ एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखें तो पोलियस्टर फाइबर ग्लास रेजिनस हो सकता है टोरलोन वेस्पेल पीपीएस पीपीएस का मतलब है पोली फिनाइलिन सल्फाइड और कुछ ग्रेड हो सकते हैं पीक के तो कुछ ये रॉ मटेरियल है जिसका हम प्रयोग करते हैं तो बात करते हैं कि ये जो प्रोसेस है इसमें किस प्रकार से वर्किंग होती है तो आपके सामने ये मशीन आपको नज़र आ रही है जिसका हम प्रयोग करते हैं कंप्रेशन मोल्डिंग में तो एक प्रकार से ये हाइड्रोलिक कंप्रेशन मोल्डिंग मशीन है जिसमें अगर आप यहाँ पर देखें इस पर जो सबसे पहले पार्ट की हम बात करें तो इसमें सबसे पहले एक ये पंच है पंच के साथ मोल्ड का आधा भाग लगा हुआ है और मोल्ड का जो लोअर पार्ट है वो यहाँ पर है और नीचे एक बॉटम में प्लेट है ये प्लेट्स आपको इस मशीन में यहाँ पर नज़र आ रही हैं तो इसमें क्या है कि सबसे पहले ये जो पार्ट होता है ये एक प्रकार से फिक्स पार्ट होता है जिसके अंदर एक कैविटी बनी होती है उस कैविटी के अंदर हम प्लास्टिक कंपाउंड को रखते हैं प्लास्टिक कंपाउंड ये जो मटेरियल है जो हम सेल सोलिड ग्रेनोलर फॉर्म में रख सकते हैं पाउडर फॉर्म में रख सकते हैं पैलेट्स फॉर्म में रख सकते हैं सीट की फॉर्म में भी इसको रखा जा सकता है तो यहाँ पर सबसे पहले प्लास्टिक कंपाउंड को रखा जाता है उसके बाद जो पंच होता है हमारा उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो जैसे इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव किया जाता है एक प्रकार से ये भी हीटेड पंच होता है और यहाँ पर जब इसको पंच करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो इससे क्या होगा कि प्रेशर अप्लाई किया जाएगा फ़ोर्स अप्लाई किया जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हमारा जो अपर मोल्ड हाफ है और जो लोअर मोल्ड हाफ़ है वो आपस में एक दूसरे के, के क्लोज़ हो जाएंगे और बीच में जो हमने प्लास्टिक कंपाउंड को रखा था वो वो सेप लेगा ले ले जो कैविटी मोल्ड के अंदर बनी हुई थी तो कुछ मटीरियल है वो साइड में भी इस तरह से वो एक्सटेंड हो जाता है और वो एक्सटेंडेड मटेरियल को हम फ्लैश कहते हैं अब बात करें कि कैसे इस प्रकार होगा कि ये जो डायग्राम आपको नज़र आया है इसमें अगर आप देखें जब दोनों ही मोल्ड पार्ट आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो कुछ टाइम तक प्रेशर को अप्लाई किया जाता है ताकि हमें जो रिक्वायर्ड सेप है वो मिल जाए क्योंकि जो कैविटी में सेप बनी है वो सेप हमें बनानी होती है तो कुछ टाइम के बाद जब हमारी प्रोसेस हार्ड होना शुरू हो जाती है क्योंकि उसके बाद हम जो अपर जो मोल्ड है उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं और जो ये लोअर मोल्ड पार्ट होता है इसमें एक इंजेक्टर पिन लगी होती है या नोकआउट पिन उसको बोलते हैं उस पिन की मदद से जो मोल्डेड पार्ट है जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल लिया जाता है तो यह इस डायग्राम में देखें नीचे एक नोकआउट या इंजेक्टर पिन लगी होती है तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब दोनों मोल्ड आपस में कंबाइन होते हैं एक दूसरे के क्लोज होते हैं तो उस दौरान कुछ पोलीमराइजेशन या क्यूरिंग प्रोसेस होती है और उस प्रोसेस के दौरान क्या जो हीट है वो स्टीम ऑयल गैस फर्नेसिस या फिर इलेक्ट्रिक हीटर का प्रयोग करके जो मोल्ड कैविटी की जो वॉल्स हैं उनके माध्यम से हीट को अप्लाई किया जाता है क्योंकि जो प्लास्टिक कंपाउंड हम रखते हैं वो सॉलिड हो सकता है उसके बाद जब आपस में एक दूसरे कंबाइन फॉर्म में आते हैं तो ये सॉफ़्ट हो जाता है और सॉफ्ट होने के बाद ये जो कैविटी की सेप ले लेता है तो इस प्रकार से प्रोसेस होती है जो प्रेशर हम अप्लाई करते हैं पंच की मदद से उसको न्यूमेटिकली भी अप्लाई किया जा सकता है और हाइड्रोलिकली भी उसको अप्लाई किया जा सकता है अगर हम पोलीएस्टर या एपोक्सी का प्रयोग करते हैं रॉ मटेरियल के तौर पे, तो उस दौरान तीन दशमलव पाँच मेगा पासकिल का प्रेशर रखते हैं जब हम ज़्यादातर जो थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होती हैं अगर हम उसमें कुछ फीलर या फिर प्लास्टिक साइज़र का प्रयोग करते हैं वो उस पर निर्भर करता है कि प्रेशर क्या रहेगा और मोस्टली केसेस में तेरह पॉइंट आठ से इकतालीस दशमलव चार मेगा पासकल जो प्रेशर है वो रहता है और जो हम बात करें जो टेम्परेचर होता है हमारा जो मोल्डिंग टेम्परेचर होता है वो तकरीबन वो भी निर्भर करता है कि हमने फिलर या फिर जो प्लास्टिसाइज़र है वो क्या लिया है उस पर निर्भर करता है और मेनली ये 1100 डिग्री सेल्सियस से 2200 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है और पूरी जो प्रोसेस होती है इसका जो कंप्लीट साइकिल टाइम होता है अगर हमें छोटे स्मॉल पार्ट बनाने हैं जैसे बटन वगैरह की अगर हम बात करें जो जिनकी जो थिकनेस है दो दशमलव mm पाँच एम एम तक होती है उसका साइकिल टाइम दस सेकेंड का रहता है अगर लार्ज पार्ट और थिकर पार्ट बनाने हैं तो उसके लिए साइकिल टाइम पाँच से दस मिनट तक हो सकता है और जो क्योरिंग जो प्रोसेस होती है हमारी या जो पोलिमराइजेशन होती है उस दौरान जो टाइम हमारा लगता है उस टाइम को कम किया जा सकता है 50 परसेंट तक अगर हम जो चार्ज या प्लास्टिक कंपाउंड लेते हैं इसको ऑलरेडी प्री हीट किया जाए तो तब हमारा कुछ प्रोसेस में जो साइकिल टाइम है उसको कम किया जा सकता है और जो कंप्रेशन वोल्डिंग मशीनज होती हैं वो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग वो ओपन होती हैं अगर आप देखें ये वर्टिकल एक्सिस है वर्टिकल एक्सिस में क्लोज होगा वर्टिकल एक्सिस में ही ओपन होगा तो ये बात थी वर्किंग की अब बात करते हैं कि जो कंप्रेशन मोल्डिंग है उसके कुछ एडवांटेज भी हैं कुछ डिसएडवांटेज हैं तो वो क्या क्या हैं एडवांटेज की बात करते हैं कंप्रेशन मोल्डिंग के लिए जो टूल हम यूज़ करते हैं उसकी कॉस्ट कम होती है उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम रहती है इसमें हमें डायमेंसनल एक्यूरेसी मिल जाती है और जैसा हमने देखा कि इस प्रोसेस का जो साइकिल टाइम है वो शॉर्ट साइकिल टाइम होता है जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसकी जो इंपैक्ट स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव हो जाती है हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन प्रोसेस है इसमें वेस्ट हमारा बहुत कम होता है लिटिल मटेरियल का वेस्ट इसमें होता है तो इतनी सारी एडवांटेज के बाद इसमें कुछ खामियाँ भी हैं वो इस प्रकार से हैं जो क्यूरिंग टाइम हो है, वो लार्ज होता है जो पोलिमराइजेशन टाइम होता है जब आपस में एक दूसरे के एक साथ कंबाइन हो जाते हैं जो केमिकल रिएक्शन होती है जब हमारा कैविटी में मटेरियल फ्लो करता है उस दौरान का बात की जा रही है वो लार्ज होता है तो उसको कम करने का एक तरीका यही है कि हम प्री हीटेड जो प्लास्टिक कंपाउंड है उसका यूज़ कर सकते हैं जो स्क्रैप हमें मिलता है जो स्क्रैप होता है फ्लैश की फॉर्म में होता है अगर आप ये शूज़ को ये रबड़ के जो बूट हैं प्लास्टिक के जो बूट है इसको देखें ये जो साइड में जो मटेरियल हमें मिल रहा है इसको हम फ्लैश कहते हैं तो एक प्रकार से स्क्रैप होता है तो इस स्क्रैप को हम रीप्रोसेस नहीं कर सकते और दूसरा कि इस प्रोसेस में यही प्रॉब्लम है कि हमें जो फ्लैशिंग है उसको कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है ये जो पार्ट हमें मिला है क्योंकि साइड में जो हमें कैविटीज़ के बाद जो साइड में जो स्पेस होता है उस दौरान भी कुछ मटेरियल फ्लो करता है जिसके कारण फ्लैश है तो इस फ्लैश को रिमूव करने के लिए हमें प्रोडक्ट के ऊपर सेकेंडरी प्रोसेस भी करनी पड़ती हैं और इस प्रोसेस में कुछ अन ईवन पार्टिंग लाइन्स भी बन जाती हैं प्रोडक्ट में अब बात करते हैं कि कंप्रेशन मोल्डिंग का एप्लीकेशन क्या है इस प्रोसेस के द्वारा हम जो डिनर वेयर है वो बनाए जा सकते हैं बटन बनाए जा सकते हैं जो रबड़ या प्लास्टिक के सूज बनाए जा सकते हैं नो बना सकते हैं गैस किट को बनाया जा सकता है गियर बनाए जा सकते हैं प्लास्टिक के और जो हैंडल्स हम किचन वेयर में यूज़ करते हैं वो इस प्रोसेस के द्वारा बनाए जा सकते हैं तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया कि कंप्रेशन मोल्डिंग जो प्रोसेस है वो किस टाइप की प्रोसेस है कैसे इसमें वर्किंग होती है क्या इसके एडवांटेज हैं क्या इसके डिसएडवांटेज हैं और अगर हम इसकी एप्लीकेशन की ओर बात करें हम इसमें ऑटोमोटिव जो एक्सटीरियर पैनल हैं जो कमर्शियल व्हीकल्स में हम यूज़ करते हैं वो भी इसकी मदद से बना सकते हैं कुछ अप्लाइंसिस की जो हाउसिंग होती हैं रेडियो केसेस होते हैं तो वो भी इसके द्वारा बनाए जा सकते हैं दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ स्टूडेंट्स के साथ और चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें जल्दी हाजिर होते हैं एक नई प्रोसेस के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन शुभ रहे